हेलो व्यूअर्स, आपका टेस्टी वेज रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रवा लड्डू की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिना चीनी के, बिना गुड़ के बहुत ही टेस्टी रवा लड्डू 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। और इसका टेक्सचर तो देखिए आप, ना तो ज़्यादा कड़क और ना ही ज़्यादा नरम, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मुँह में जाते ही ये घुल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अच्छी बात तो ये है कि इसे 20 से 25 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। जब मन चाहे डब्बा उठा के खोल के खा लीजिए बस। तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं किस तरह बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप रवा। ये बारीक वाली सूजी ली है मैंने यहाँ पे। गैस मैंने ऑन कर दिया है, उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। और जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें हम सूजी ऐड कर लेंगे। ध्यान रखें यहाँ पे बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है हमें। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मिक्सर में चला दीजिए, जो भी जो जाड़ा वाला सूजी होगा उसको, और वो बारीक हो जाएगी। इसे हमें 5 मिनट तक रोस्ट करना है लो फ्लेम पर। अच्छे से इसे चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए, जब तक इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आने लगती तब तक। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 कप नारियल का बुरादा। इसे मराठी में कोकोनट खीस या खोपरा खीस भी कहते हैं। इससे जो हमारे लड्डू का स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। भून लेंगे हम लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है रवा और कोकोनट का। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक स्टील के प्लेट में इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप मिश्री का पाउडर। ये जो मिश्री है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, इसमें सल्फर बिल्कुल नहीं होता, केमिकली ट्रीटेड ज़रा भी नहीं है, बिल्कुल देसी है। तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिए और साथ ही हेल्दी भी है। इसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वही दूसरे तरफ हमने जो सूजी भूनी थी वो हल्का सा ठंडा हो गया है। उसमें अब ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे लड्डू में। और फिर जो हमने सिरप तैयार किया था मिश्री के साथ वो ऐड कर लेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे करके हमें वो शुगर सिरप ऐड करना है इसमें। पहले मैंने 1/2 ऐड किया है, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर जो बचा हुआ 1/2 है वो ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच घी और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। इस समय आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं इसमें कट करके। मैंने यहाँ पे किशमिश ऐड किया है, आप चाहे तो इसमें काजू, बादाम, पिस्ता वो ऐड कर लीजिए। मैं लास्ट में उसे डेकोरेट करने के लिए ऐड करूंगी, आप चाहे तो इस वक्त ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम किशमिश जो डाला था हमने हमारे मिश्रण में, और फिर इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएगा। उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा घी ऐड करके इसका लड्डू बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि थोड़ा हल्का सा गर्म हो हमारा सूजी का मिश्रण, वही टाइम पर बनाइए। अच्छे से हाथों के बीच में रख के इसे प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से गोल गोल घुमाकर थोड़ा डांस कर लेंगे ताकि एक परफेक्ट शेप आ जाए हमारे लड्डू को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा शेप आया है उसे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे गार्निश करूँगी। कटा हुआ पिस्ता है और कटा हुआ आलमंड यानी कि बादाम लिया है मैंने यहाँ पे। आप चाहे तो बिल्कुल इसी तरीके से उसे डेकोरेट कीजिए या फिर जैसा आपका मन हो आप उस तरीके से डेकोरेट कीजिए। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, खाली बहुत ही बढ़िया लुक आए हमारी सूजी का लड्डू के, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बादाम और पिस्ता लगाया है। जैसे ही आप पिस्ता लगा दें अच्छे से उसे प्रेस कर दीजिए ताकि एकदम सेट हो जाए हमने जो ड्राई फ्रूट लगाया था और वो गिरे ना। हमारा सूजी का लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिएगा, 20 से 25 दिन आराम से ये रह जाएंगे। जब मन चाहे एंजॉय कीजिए। शाम को आपको भूख लग रही है थोड़ी, आप एक लड्डू खा लीजिए उठा के, आपका पेट भर जाएगा उसमें ही, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। देखिए आपको मैं तोड़कर भी बता रही हूँ, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बना है ये।
ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा कड़क, और मुंह में डालते ही एकदम मेल्ट हो जाता है आपके माउथ में। आपको और भी कोई रेसिपी देखनी है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। कीप वॉचिंग।